हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करूंगी तोरी और अंडे की रेसिपी। तोरी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे हम ऐसे खाना पसंद नहीं करते हैं। कभी हम दाल के साथ बनाते हैं, कभी पकोड़े के साथ या फिर किसी और तरीके से। तो आज मैं इसे अंडे के साथ बना रही हूँ। बहुत पुरानी रेसिपी है और इसे हम सिर्फ नमक और मिर्च के साथ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, बहुत बारीक बारीक काट लिया है इसे। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अंडे के साथ हम इसे फेंट लेंगे। यहाँ मैं 4 अंडे यूज़ कर रही हूँ, आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह फेंट लें। अब इसे हम साइड में रखेंगे और एक दूसरे पैन में यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून घी डाला है और 1 टेबलस्पून ही हमने डाल दिया है इसमें रिफाइंड ऑयल, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके इसमें डाल दिया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो इस रेसिपी को जो बनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ देसी घी में बनाया जाता है, लेकिन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने आधा तेल और आधा घी इस्तेमाल किया है। पर घी डालना ज़रूरी है, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये लाइट ब्राउन हो गई है लगभग प्याज हमारी, इतना ही हमें इसे लाइट ब्राउन करना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, और लाल मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये जले नहीं। अब इसी का हमें एक अच्छा सा मसाला तैयार करना है, तो थोड़ा सा भून लेंगे हम। आप देखेंगे इसमें हम किसी भी तरह का मसाला यूज़ नहीं करेंगे, पर आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। तो मसाला हमारा लगभग भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तोरी। 1 केजी तोरी ली थी, इसे छील कर धोकर लंबाई में कट कर लिया है। आप किसी भी तरह कट कर सकते हैं तोरी को। अब इसे अच्छे तरह मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। और साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला। तो ये मेरा होममेड गरम मसाला है, मैं यहाँ पे आधा टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसे ढक्कन लगा देंगे और इसे हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो तोरी ने पानी छोड़ दिया है और अभी भी ये थोड़ा गलेगा, तब तक हम अंडे तैयार कर लेते हैं। तो बस इसका हमें ऑमलेट तैयार करना है जैसे हम करते हैं। ऑयल डाल दिया है, यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इस तरह से मैं अंडे को फ्राई कर लूँगी और इसे हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो हमने अंडे कट कर लिए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के अंडे भी हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अब तोरी चेक कर लेते हैं। तोरी भी देखते हैं, गल गया है बिल्कुल अच्छी तरह से जैसा हमें चाहिए था। अब इस स्टेज पे क्या करना है, हमें अंडे को इस तरह से इस पर डाल देना है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला पाउडर। और लीजिए, हो गई है तोरी और अंडे की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार। गर्मा गर्म चपाती या राइस के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।